पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी की बाजियाबी का केस, हुसैन अहमद चौधरी आगा कीजिए। हाँ जी, देखिए पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी जो है उनकी बाजियाबी से मुतालिक आज केस की समाअत हुई है, लेकिन उनकी बाजियाबी से मुतालिक कोई सुराग जो है वो नहीं मिल सका था और एक हफ्ते की मजीद मोहलत दी गई थी। तहम वफाकी पुलिस की जानिब से जो है वो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो चारों सूबों के जो आई जीज हैं और जो पुलिस हुकाम हैं उनको खत लिख दिए गए हैं। ताहाल अभी तक कोई तफसील जो है वो सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदाकत अब्बासी को कहाँ से अगवा किया गया और कहाँ लेकर गए हैं अभी तक मालूम नहीं हो सका, और सदाकत अब्बासी की जो गाड़ी है वो 1:50 पर पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल हुई जबकि 3 बजे जो है वो बाहर आई है। पार्लियामेंट लॉजेस के गेट और मौजूद पुलिस और दीगर जो एफसी एहलकार है उनको सामने तफ्तीश जो है वो किया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि जो सदाकत अब्बासी के जो भाई हैं उनको सामने तफ्तीश करने के लिए तलब किया गया था, ताहम वो सामने तफ्तीश नहीं हुए हैं और ये रिपोर्ट एसएसपी ऑपरेशन की जाने से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी गई। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी।